ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। भारतीय वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान सोमवार सुबह राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक घर पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि पायलट राहुल अरोड़ा उम्र 25 वर्ष ने समय रहते ही पैराशूट की मदद से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। उन्हें मामूली चोटें आने पर सूरतगढ़ भेजा गया है। मृतकों की पहचान बशो कौर 45 वर्ष, बंतो 60 वर्ष और लीला देवी 55 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि भारतीय वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान आज सुबह करीब 9:45 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सूरतगढ़ में वायुसेना स्टेशन से नियमित परिचालन प्रशिक्षण के लिए विमान ने उड़ान भरी थी। इसके तुरंत बाद पायलट को ऑनबोर्ड आपात स्थिति का अनुभव हुआ, जिसके बाद उसने मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार विमान को ठीक करने का प्रयास किया। ऐसा करने में विफल रहने पर पायलट समय रहते ही विमान से कूद गया। उसे मामूली चोटें आई हैं। पायलट सूरतगढ़ बेस के लगभग 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में मिला। भारतीय वायुसेना ने एक बयान में कहा, विमान का मलबा हनुमानगढ़ जिले के बहलोल नगर में एक घर पर गिर गया। दुर्भाग्य से इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। भारतीय वायुसेना ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है। MiG-21 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद हुए विस्फोट से पड़ोस के अन्य घर की छत गिर गई। इसी घर में रहने वाली महिला को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे में मारी गई महिलाओं के परिजन शव रखकर सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, सूरतगढ़ में भारतीय वायुसेना के MiG-21 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से दुखी हूं, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मैं ईश्वर से मृतकों की आत्मा की शांति और परिवार के सदस्यों को इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं। चिरंजीवी बीमा से मृतक के परिजनों को नियमानुसार सहायता दी जाएगी। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।